फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे बहुत बढ़िया खबर निकल करके आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। इसके चलते मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में बढ़िया तेजी रहने की पूरी पूरी संभावना है। वो खबर के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ अगले क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल IRCTC का वीडियो डाला है, इसमें बढ़िया खबर निकल कर के आ रही है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। अभी 1:47 के आसपास का टाइम है, मार्केट हवर चालू है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे करंट मार्केट में चल रही है इंडिया बुल्स की 234.70। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्लिकरिंग देखने को मिल रहा होगा, उसका कारण मैंने बताया कि मार्केट हवर चालू है, 85 पैसे ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 0.36% की तेजी के साथ। यहाँ पे हाल फिलहाल में बढ़िया तेजी निकल करके आई है। मैंने जो टेलीग्राम चैनल के मेंबर है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, उसको मैंने 190 से 200 रुपये के आसपास बाइंग करवाई थी शॉर्ट टर्म के लिए, और टारगेट मैंने 350 से 400 रुपये का दिया है। तो जब जहां से बाइंग करी है उसके नीचे बिल्कुल गया नहीं है, ऊपर की तरफ चाल पकड़ी। तो जिन जिन लोगों ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करी है और इस कॉल में और इस स्टॉक में पोजीशन बनाई है, वो अपने आप में अच्छा ख्यास से मुनाफे में बैठे होंगे। सबसे पहले हम हाल फिलहाल में कैसी रिटर्न की प्रोफाइल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं दोस्तों आपको यहाँ पे स्टॉक एज की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, आज के दिन तो फ्लैट चल रहा है, एक वीक में हालांकि गिरावट चल रही है 3% की, परंतु पिछला एक महीना बहुत बढ़िया बीता है, 21.51% के रिटर्न। पिछले 3 महीने में भी बढ़िया रिटर्न है 54.36, पिछले 6 महीने में भी पॉजिटिव रिटर्न है 8.67। बाकी देखें तो दोस्तों, आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे 1 साल में 25%, 2 साल में 71%, और 5 साल में 64%। अभी भी माइनस है, क्योंकि 1440 का जब हाई बनाया था 2017 के आसपास का, उसके बाद भयंकर गिरावट चालू हुई थी, और यहाँ पे लो की बात करें तो 80 रुपये का लो बना दिया था, और वहां से बढ़िया बाउंस बैक भी हुआ है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जिस तरह की अपडेट्स निकल करके आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, तो अच्छे दिन आने की संभावना है। यहाँ पे कारोबार की डिटेल बताने की मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 234.55 अभी प्राइस चल रहा है, 1.45 रुपये अभी ऊपर है 0.62% की तेजी के साथ। आज मार्केट में गिरावट है, इसके लिए यहाँ पे इंडिया बुल्स में हमें वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही है, परंतु तेजी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु जिस तरह की न्यूज थी उसके चलते मुझे लगता है और ज्यादा तेजी होनी चाहिए थी अगर मार्केट का मूड अच्छा रहता तो। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 233.10, ओपन यहाँ पे 234.80, हाय 239.50 का, लो यहाँ पे 230 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी 1 बजे तक की कारोबार की सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1,14,75,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 25,28,000 शेयर की डिलीवरी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें 22.03। तो दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया डिलीवरी की सिचुएशन दिखाई दे रही है 22% के आसपास, और 25 लाख शेयर की डिलीवरी यहाँ पे 1 बजे तक उठ चुकी है, और 1,14,00,000 शेयर की यहाँ पे ट्रेडिंग हो चुकी है, तो वॉल्यूम भी अच्छा है। 3 बजे तक इसमें काफी सारा फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है। अभी न्यूज पे लाके जाना चाहूंगा और न्यूज को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको न्यूज पे लेके आया हूँ, यहाँ पे हेडलाइन पढ़ सकते हो। हेडलाइन में 2 कंपनियों के बारे में डिटेल दिया गया है, पर हम यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को ही फोकस करेंगे ओनली। यहाँ पे हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा, USB में इन्वेस्ट इन पेटीएम, तो उसका तो मैं कोई लेना देना नहीं है। परंतु जो दूसरी न्यूज है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इंस्टेक सेल टॉक विद पीस, तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करी है कि अपोलो पी को यहाँ पे अपना स्टेक सेल करने वाले थे, परंतु अभी अपोलो के सिवा और भी यहाँ पे इन्वेस्टर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। तो टोटल हिस्सेदारी 20% के आसपास बेचने की फिरत में है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो कौन कौन आगे जुड़े हैं वो बताने चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज सेपरेट डिस्कशन विद प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इंक्लूडिंग अपोलो ग्लोबल, तो उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बताया। अभी TPG एंड ब्रुकफील्ड टू सेल अप टू 20% स्टेक इन डील वैल्यू पेस्ट RS 2000 करोड़, मतलब कि $275 बिलियन बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट सेड सिटिंग पीपल इन द नो। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले अपोलो पी को ही यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही थी, अभी टीपीजी और ब्रुकफील्ड को भी यहाँ पे बातें चल रही है। टोटल मिलाकर के 20% की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, और जो राशि जमा करने वाले हैं 2000 करोड़ के आसपास की जमा करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है।
आपको पहले भी बताया था कि अपोलो को जब वो हिस्सेदारी बेचेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको जगह दी जाएगी। तो अभी ये टोटल जो हिस्सेदारी बेचने वाले हैं वो यहाँ पे उसके चलते द न्यू इन्वेस्टर विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद अप टू 3 बोर्ड सीट्स। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन इन्वेस्टरों को 3 सीट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इन्वेस्टर को लार्जेस्ट डील मतलब लार्जेस्ट हिस्सेदारी बेचने का प्लान किया जा रहा है। तो उसी के चलते होगा क्या कि अभी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे उसके प्रमोटर है, आपको पता होगा कि समीर गोहाल्ट है यहाँ पे इंडिया बुल्स के प्रमोटर, वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और हमें एक नया प्रमोटर मिलेगा जब इसकी सिंगल इंडिविजुअल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी, मतलब समीर गोहाल्ट से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्रमोटर वही बनेगा। जो फॉरेनर इन्वेस्टर में से कोई अभी हमें आगे आने वाले दिनों में एज ए प्रमोटर के तौर पर नजर आ सकता है, चाहे वो अपोलो ग्लोबल हो, टीपीजी हो या ब्रुकफील्ड हो, तो वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कौन यहाँ पे एज ए प्रमोटर के तौर पे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदता है। परंतु समीर गोहाट अभी स्टेप डाउन करने के पूरे मूड में है एज ए प्रमोटर के तौर पे, क्योंकि वो हिस्सेदारी बेचेंगे तो उनकी हिस्सेदारी कम होगी और बाकी जो हिस्सेदारी खरीदेगा उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, तो बाय डिफॉल्ट वो एज अ सबसे बड़ा शेयर होल्डर के तौर पे उभर करके आएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। तो बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों, विदेशी निवेशक यहाँ पे बढ़िया इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया कि 300 के आसपास की प्राइस में हिस्सेदारी खरीदेगा, तो वो भी अपने अपने बड़ा है, बढ़िया है, क्योंकि जब ये डील होगी तब कहीं ना कहीं प्राइस 300 के आसपास जाने की भी कोशिश करेगा, हो सकता है 300 के ऊपर के भाव में भी हिस्सेदारी बेची जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जो न्यूज है वो भी बहुत पॉजिटिव है, तो हमें चार्ट पे चलना चाहिए और अभी क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ, लेवल आपके सामने। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अभी 233.50 रुपये के आसपास चल रही है, अभी इमीडिएट जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो 220 और 206 का निकल करके आ रहा है, तो अभी ये दोनों सपोर्ट तो बहुत बढ़िया मुझे दिखाई दे रहे हैं एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे। ऊपर की तरफ 250 का लेवल हर्डल बना हुआ है जो कि काफी बार उसको एज ए रजिस्टर के तौर पे उभर करके आया है, यहाँ पे 2 बार और अभी भी हाल फिलहाल में भी 1 बार उसको टच करके नीचे आया है। मुझे लगता है जल्दी से हमें ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देना चाहिए और जो ऊपर की तरफ टारगेट आएगा 295 और 350 मुझे लगता है आगे आने वाले 1-2 महीने में इंडिया बुल्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 250 के ऊपर बनानी है और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो 220 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके, या तो 220 का या तो फिर 206 का, आपकी कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और यहाँ पे माल होल्ड करके इस तेजी को राइड करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ दोस्तों ये सब करने से पहले आपको अपनी स्टडी तो कंडक्ट करनी है, उसके बाद कोई डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है हमें जल्दी से जल्दी 295 और 350 तक के लेवल तो जल्दी ही देखने को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मिल सकते हैं। आरएसआई का लेवल स्ट्रॉन्ग है 67.32, तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग इनफ लेवल दिखाई दे रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।